हेलो, आ गया सुपर नाम मैं ऑफलाइन और स्वागत करते हैं आपका एक और नए बस को सिमुलेटर के एपिसोड में। और आज काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं क्योंकि आज हम 0.9 वाला जो नया अपडेट आया है उसको चेक करने वाले हैं। और उसके अंदर कारपेंटर का अपडेट है, ये सिर्फ दो टास्क नए आए हैं, कारपेंटर वाला और मिस्टर एक्स जो बम बेचता था हमें उसके टास्क आए हैं। तो ये मैंने शॉप क्लोज कर रखी है वो इसी करके कि जो ये रोबोट ना इसके अंदर मैं कोल्ड ड्रिंक डाल सकूँ। सो कोई बात नहीं, इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल देता हूँ, मैंने गिन के रख रखी है कोल्ड ड्रिंक उतनी डालूंगा जितनी जरूरी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं डालूंगा। और एक नया अपडेट और है जिसके अंदर हमें पोल के ऊपर चढ़ सकते हैं, तो पोल भी हम देखेंगे कहाँ मिलेगा पोल। और साथ के साथ एक एक जो है ना टास्क पूरा कर लेंगे हम, जो मिस्टर एक्स का है उसका और कारपेंटर का भी। और तुम्हें बता दूं तो मैंने देखो यहाँ रेस्टोरेंट भी खड़ा कर लिया अपना, क्योंकि लास्ट टाइम सूर्या जो नकली सूर्या उसने भाई हमसे पैसे ऐंठ लिए थे, बट फिर भी हमने भाई अपना रेस्टोरेंट तैयार करा लिया है, ठीक है। और मैंने जो हॉल है ना अपना जो अपना घर का हॉल है वो मैंने तैयार कर लिया है, और मैंने थोड़ा इंटीरियर भी चेंज कर दिया है अपने दोनों रूम का, बेडरूम्स का, ठीक है। तो ये है हमारा रेस्टोरेंट जो कि मैंने अभी बना के रखा है। तो ये कैसा लग रहा है कमेंट मारकर बताओ। मैंने यहाँ पर फूल पत्तियाँ सब लगा दी हैं, यहाँ रेडियो रखा हुआ और यहाँ एक सोफा है जो कि सामने बंदा बैठ के देख सकता है टीवी, तो इसके लिए चला दो टीवी। तो ये देखो टीवी में कितना कुछ आ रहा है, वैसे टीवी में तो काफ़ी कुछ आता रहता है इसमें, और मुझसे पढ़ा नहीं जाता क्योंकि सारी की सारी लैंग्वेज इंडोनेशियन है तो समझ नहीं आता क्या बोल रहा है टीवी में ये, बट अच्छा लगता है फिर भी। तो अभी यहाँ पर कितने सारे कस्टमर आ चुके हैं भाई साहब, देख रहे हो तुम कितने सारे कस्टमर है, और ये सारे के सारे भाई बस को खाने आए हैं हमारी शॉप पर, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा अपना भाई डिमांड बढ़ा रखी है। और ये है विशिंग वेल जो कि मेरे को लग रहा है 2.10 वाले 0.10 वाले अपडेट में खुल जाना चाहिए, शायद से खुल जाएगा। ये भाई साहब पैसे मांग रहे हैं, अभी से पैसे मांग रहा है यार ये। एक मिनट, इसके अंदर अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक भरी है, मैं नहीं चाहता कि भाई ये पैसे मांगने के चक्कर में हमारे कस्टमर को रुसवा कर भगा दे। तो इसे क्या हो गया, ये क्यों भाग रहा है भाई, क्या हो गया भाई, नेगेटिव। अच्छा लग रहा है मक्खियाँ लग गई थी उसे, इस करके नेगेटिव दे रहा हो। चलो ये कुर्सी तेरी नहीं है भाई, चोर के लिए रखी मैंने, यार रुक जा इधर फेंक दो। हाँ भाई मैंने वहाँ चोर के लिए रखी है, वो जैसे चोरी चोरी करे तो भाई वही चीज़ लेके जाए जो मेरे को ज़रूरत नहीं है जिसकी। तो चलो चलते हैं कारपेंटर भाई साहब, ये रहे कारपेंटर, चलो बात करते हैं कारपेंटर से। सो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, तो है भाई बच्चा बोल दिया मुझे, ओल्ड मैन है मुझे पता भाई, चल ठीक है वो उसकी दाढ़ी डूढ़ी आ रखी तो हम तो बच्चे ही हैं उसके सामने। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि इसकी ना एक आरी गुम गई है और वो हमें ढूंढ के देनी है। अब मैं कहाँ से ढूंढ के दूँ मुझे नहीं पता भाई, वुड कट कर रहा था, मुझे पता है भाई कर रहा था, वही लकड़ियाँ कट कर रहा था, बट एक लोकेशन भी तो होती है ना, कहाँ ढूंढूँ इतना बड़ा बस्को टाउन है भाई साहब। मुझे पड़ी तो है आरी, एक आरी पड़ी है, फिर ही बोल रहा है भाई दो आरियाँ पड़ी हैं इसके पास में, एक मिनट यहाँ तीसरी और ये चार आरियाँ पड़ी है भाई टेबलों पर, फिर ही बोल रहा है मुझे आरी ढूंढ के दो, कैसा कंजूस बंदा यार। चलो और वैसे मैंने पटाखे चला के नहीं देखे, ये ब्लू वाला नहीं चला के देखा, चला के देखो कैसे, चलो निकालते हैं इसे, रुको एक मिनट चार पांच बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी सबको एक साथ में चला लेता हूँ, इसकी शॉप में आग लगा दूंगा मैं, चला जाता दे। चलो भाई पटाखे ही पटाखे होंगे आज, चलो ओ भाई एक पटाखा ऊपर चला गया हमारा रॉकेट, एक और। जब स्टार्टिंग में आए थे ना ये सारे के सारे, तो मैंने ये चीज़ चेक नहीं की थी कि गैस के ऊपर अगर मैं ये सारे के सारे फायरवर्क जलाऊं तो क्या गैस में आग लगेगी, ये जो गैस का सिलेंडर इसमें फटेगा या नहीं फटेगा सिलेंडर, तो शायद से फट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो तेरे सामने लगा देते हैं यार, और ठीक है। ओ भाई सारे के सारे उड़ गए, बट इसको कुछ नहीं हुआ है। और वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रात को हम ये सब पटाखे जलाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना हमें, तो अभी तो नहीं, बट मैं दिन में चला रहा हूँ, इसके बाद में मैं रात को जलाने की ट्राई मारूंगा, फिर देखेंगे कि कैसा नज़ारा लगता है पटाखों का। चलो चलते हैं, अभी वहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है, अभी हमने ना पता क्या एक सीक्रेट शॉप भी आ चुकी है इसमें, वहाँ पर हमें सीक्रेट सामान मिल सकता है, मेरे को नहीं पता किस कोने में है वो, तो सीक्रेट है तो शायद से मेरे को लग रहा है कि जैसा शटर तोड़ा था हमने वॉलनट में वैसा कुछ हो सकता है, क्योंकि शटर तोड़ेंगे हम तो सीक्रेट शॉप निकलेगी, शायद से ऐसा कुछ हो, नहीं तो कहीं कोने में छुपाई रखी होगी। तो मैं सारे शटर देख के भी जाने वाला हूँ, और इस घर में क्या पता वो वाली शॉप चल रही हो, क्योंकि इलीगल शॉप हो सकती है शायद से। चलो यहाँ पर तो कोई शॉप है नहीं और ये रात को ही खुलता है तुम्हें पता ही है, पर मैंने अभी तक भूत नहीं देखा इधर, वैसे देखा था बट अभी नहीं देखा है। चलो यहाँ पर कुछ आया क्या, नहीं भाई यहाँ इस शॉप में कोई अपडेट नहीं है, बट यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर अपडेट आ सकता है। ये एलियन भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 0.11 वाले अपडेट में ये एलियंस को डाल सकते हैं, ये शायद से डाल दें। वैसे अप टू डेट चल रहे हैं भाई, काफ़ी अच्छे हैं बस्को सिमुलेटर, और काफ़ी अच्छी चल रही है बस्को सिमुलेटर, इतने सारे अपडेट दे रहे हैं टाइम टू टाइम, और काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है इसी की। सो यहाँ पर देख लिया, मैं नहीं चाहता कि इस कोने में कहीं मैं मिस कर दूँ, और यहाँ पर रुको यहाँ पे तो गेट नहीं है, ठीक है यहाँ पर नहीं है, शायद से यहाँ नहीं है, और वो शॉप कहीं और ही होगी। चलो यहाँ चलते हैं, अभी ये कहाँ फंस गया, चलो आ गया हूँ मैं घर की तरफ, और तुम्हें दिखाऊँ तो देखो मैंने यहाँ पर कितना कुछ खरीद के रख रखा है। वैसे मैंने सारा सेटअप कर ही रहा था अपने घर का इसी करके,
तो यहाँ की तरफ मैं नहीं गया हूँ, यहाँ देख लेते हैं इसमें अंदर क्या है। कुछ नहीं है यहाँ पर। और रखो एक मिनट, ये क्या भाई, एक नई जगह। हो भाई यहाँ पे ही है वो शॉप, नई शॉप यही है भाई, यही है सीक्रेट शॉप। और यहाँ पर क्या है भाई, ये सारे तो रेयर आइटम्स लग रहे हैं। गिटार भी दे रही है भाई। यार एक तो ये भाई चोर ना, सही में कुछ नहीं देखने देता मुझे, जब देखो ना कार्ड चुरा के ले जाता। मैं यहाँ पर आया था शॉप पे देखने, सीक्रेट शॉप मैंने अभी ढूंढी थी और ये चोरी करने लग गया है। चलो कोई ना, मैं इसको टपका दूँ, पहले गुद्दी पे दो चाटे मारूंगा इसके, तभी ये शांत होएगा। तो जल्दी से इसको मैं टपका के फिर चलते हैं अपना वही शॉप पे, सीक्रेट शॉप पे, और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हमें मिल सकता है। एक दो, चल यहीं छोड़ जा, मैं जा रहा हूँ शॉप पर जल्दी से। तो मैं आ गया भाई वापस शॉप पे, और यहाँ पर देखो डॉल्स हैं, तीन चार डॉल्स हैं। वैसे तो ये रेड डॉल्स ही लग रही है। यहाँ पर है क्या कुछ? ठीक है यहाँ पे नहीं जा सकते, बट यहाँ पे जा सकते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोई बात नहीं। और ये देखो ये सारी की सारी आर्ट मशीन में मिलती है, और बहुत मुश्किल से मिलती है ये, पर ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये क्या है, गिटार, ठीक है कोई बात नहीं, गिटार हम खरीद सकते हैं, बट अभी नहीं खरीदेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। और ये क्या बोल रही है, आई वंडर हाउ इट्स फील टू ऑन द लेजेंडरी प्राइजेस एट द आर्ट। ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, वैसे मुझे आर्ट में जाकर देखना चाहिए कि ये सारे जितने भी आइटम हैं कितने के पड़ते हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर सस्ता है या फिर वहाँ पर महंगा है। तो ये भी गिटार ठीक है यार, गिटार मैं घर में रख सकता हूँ। और ये वाली डॉल अच्छी लग रही है मुझे, सेंटर वाली, बस को जैसी लग रही है बंदे की। सो चलो चलते हैं यहाँ से, यहाँ पर देख लूँ मैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना। ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो मैं तुम्हें ना अपना घर दिखा दूँ, क्योंकि मैंने कैसा अपडेट करा है घर को, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत लगाई उसमें, और मेरा डाटा भी उड़ गया था, तुम्हें सबको पता ही है। और डाटा सही बात बोलूँ ऐसे नहीं आ जाता भाई, पता नहीं क्यों ये लिंक नहीं रहता, तो डाटा इसको आ जाना चाहिए था। ये है हमारा हॉल, रुको तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं पहले दिखाऊँ। ये हमारा पहला बेडरूम है जो मैंने बनाया था, ठीक है, ये सिंपल सा रखा है मैंने, टीवी सब निकाल दी इधर से। और ये है हमारा हॉल जहाँ पर पांडे सोता है, ठीक है। तो ये कैसा लग रहा है देखो, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगा रखी है, इसके ऊपर भाई सामान है, ठीक है। वॉल वाले देखो सामने लगा रखे हैं, वो उधर घड़ी बीच में है, यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ लगा रखी है। तो ये कमेंट मारकर बताओ कि तुम्हें ये जो हॉल है ना, ये मेन हॉल कैसा लगा। और ये है हमारा सेकंड बेडरूम, यहाँ से मैंने सामान निकाल दिया, ज़्यादातर सोफे सोफे लगा दिए दो तीन। और देखो ये भी कैसा लग रहा है तुम मुझे बताओ, भाई साहब हमारा स्टफ चोरी होते जा रहा है वहाँ पर। तो पहले तुम मुझे बताना कि कैसा लग रहा है ये हॉल, कमेंट मारकर देख लो रेड, और बाकी ये सेटअप कैसा लग रहा है, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे का काम करने, वैसे काम काफ़ी ज़्यादा है और इसमें टाइम काफ़ी लगा था, पैसा भी काफ़ी लग गया है मेरा इसमें भाई हॉल को बनाने में, पर कोई बात नहीं। अभी चलते हैं हम मिस्टर एक्स के पास में, और तुम्हें दिखाता हूँ मिस्टर एक्स का। भाई रुको एक मिनट, यहाँ पर सारी की सारी जो नई नई चीज़ें आई है ना, वो दिखा रही है भाई, न्यू क्विज़ डाया, ठीक है कोई बात नहीं, मिस्टर एक्स और कारपेंटर का, और रुको एक मिनट, और एक न्यू हिडन शॉप है, और एक क्लाइंब पोल है, ठीक है। तो हम पोल के ऊपर चढ़ सकते हैं, मेरे को लगा पेड़ पूड़ होगा, बट पोल दिखा रहा है ये, पता नहीं कहाँ पे है पोल। चलो एक मिनट, मैंने ना यहाँ आया हूँ तो मैं क्यों ना आरी ढूंढ लूँ, क्योंकि आरी अगर वो लेके आएगा तो पेड़ के पास में लेके आएगा पेड़ काटने के लिए, और यहाँ पर ही कहीं भूल गया होगा वो आरी, तो भाई साहब की भाई मैं आरी दे दूँ, नहीं तो हमारा मिशन नहीं पूरा होगा। चलो यहीं कहीं पड़ी होगी वैसे। और ये देखो कितनी सारी पेंटिंग मैंने रख रखी है, ये इसलिए रख रखी ना क्योंकि मेरे को जो जो अच्छी पेंटिंग लगी मैंने वो लगाई उधर, और बाकी सारी पेंटिंग्स मैंने यहीं फेंक दी है। इसमें काफ़ी सारी डुप्लीकेट है, ये वाली साइड वाली डुप्लीकेट पड़ी है सारी की सारी। तो ये क्या है भाई, एक मिनट, रेयर क्रेट, और यही है वो पोल, एक मिनट इस पर चढ़ सकते क्या हम, चढ़। ओ भाई बिना उसके पौड़ी के कितनी जल्दी चढ़ाया पांडे, ये देखो कितना भाई बड़ा लग रहा है हमारा टाउन, और काफ़ी मस्त लग रहा है इधर से, इधर से और थोड़ा ऊपर जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं इतना भी चलेगा। सो देखो वहाँ पर हमारी उड़न तस्त्री है वो रही, और यहाँ पे हमारा आर्ट है, वहाँ हमारी शॉप है इधर की तरफ, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ की तरफ ही शॉप है हमारी, और ये हमारा इधर की तरफ है हमारा घर, यहाँ पुलिस स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ से चलते हैं अब नीचे, तो काफ़ी अच्छा, क्या पता इधर आगे जाके कुछ और आ सके। सो पहले मैं ना ये सारे के सारे डब्बे रख लेता हूँ, यार मिसिंग हो गए इतने के सारे इंग्रेडिएंट, क्यों बेच रहा भाई, सस्ते में काम चला। चलो कोई बात नहीं, पहले डब्बे में रख लूँ सारे के सारे, क्योंकि मैं इसमें से फोड़ के सामान निकालना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है ना। और ये जो डब्बे हैं मुश्किल से मिलते हैं। तो एक मिनट मैंने यहाँ पर भी देख लूँ मिस्टर भाई साहब कारपेंटर की भाई 100 कहाँ पड़ी है, कोई बात नहीं यहीं कहीं पड़ी होगी, मिल जाएगी यार, टाइम से नहीं मिलेगी बट, क्योंकि ऐसे दिखेगी भी नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं, और अबे एक मिनट यहाँ पे कुछ आया था, ये क्या आ रहा भाई, ये टेक क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मुझे, एक मिनट उठा ले। ओ भाई साहब इसकी मुझे आरी यहाँ पड़ी हुई मिली है, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था यार, शायद से भाई वो टेबल के नीचे गिर गई और दिख नहीं रही, और इसी करके वो भूल गया और हमें दे दी ढूंढने के लिए। चलो कोई बात नहीं, वैसे सही है कि मिल गया मुझे, मैं नहीं तो कहाँ ढूंढता फिरता इसे, ये भाई सही है अपनी किस्मत सही है। यहाँ पर कुछ आया क्या नया, ठीक है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है नया,
और यहाँ चलते हैं मिस्टर एक्स के पास में, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सा मिशन देता है हमें। तो यह है मिस्टर एक्स का मिशन, और ये बम ले लेता हूँ मैं, दो ये रख लूँ मैं, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा फिर उसके बाद में मेरे को वापस आना पड़ेगा यहाँ पर। तो मिस्टर एक्स से बात भी कर लेते हैं। चलो ये बोल रहे हैं, देखो बताओ क्या बोल रहे सर जी। तो हे मिस्टर एक्स बताओ, कैन यू हेल्प मी आउट। भाई कर देंगे हेल्प, कोई बात नहीं, कॉमन सम भाई, बिजनेस तेरा भी बिजनेस है, हमारा भी बिजनेस है। एमपीटी गिफ्ट बॉक्स, ये इसे ये बिजनेस अपना बढ़ाने के लिए एमपीटी गिफ्ट बॉक्स क्यों लेगा इसको भाई, कुछ और सामान तो डिलीवर नहीं करना। मेरे को लग रहा है इसमें कोई ना कोई सीन होने वाला है आगे जाके, क्योंकि इसने हमसे एमपीटी बॉक्स मांगा। अगर कुछ सामान मांगता तो मैं मानता, पर इसने एमपीटी बॉक्स मांगा, यानी कि कुछ ना कुछ सामान ये भेजने वाला है आगे जाकर। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे भाई इसका भी जुगाड़ कैसे ना कैसे करके। तो पहले चलते हैं यार, ये जो डब्बे ले रखे ना मैंने, इनको रख कर मैं पहले फोड़ लूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कॉमन क्रेट जो था ना, और जो रेयर क्रेट था उसके अंदर क्या क्या। ये रेयर वाला ना, तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ, और ये है अनकॉमन वाला, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और एक है कॉमन वाला। तो इनके अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं हम, क्योंकि टाइम भाई साहब बहुत लगा है, और ये बहुत मुश्किल से मिले हैं ये। चलो इधर रखते हैं हम बम साइड में, ठीक है इधर साइड कर देंगे हम बम। ये ले भाई पकड़ बम, और ये जला दिया। चलो देखते हैं कितने बम फटते हैं। वैसे तो वही कैरेट में सारे फोड़ने वाला हूँ, इसी करके मैं दो लेके आऊँ, ठीक है। तो सारे एक साथ में, ओ रुको रुको एक मिनट, यहाँ पर लार्ज गैस मिल गई मुझे, माइक्रोवेव ओवन मिल गया, और साथ के साथ मुझे भाई 130 LPV मिली थी। तो रुको एक मिनट, यहाँ पर मैं माइक्रोवेव ओवन रख देता हूँ, पांडे के काम आएगा यहाँ पर बैठ के भाई, ये जल्दी से जल्दी और खाना बना पाएगा। वैसे इसको यूज़ नहीं करेगा मुझे पता ही है। तो ये भाई मेरे को नया सिलेंडर बड़े वाला मिल गया है, मैंने काफ़ी ढूंढा था, यहाँ पर टेबल थी यार, ठीक है यहाँ पर भाई मेरे को टेबल मैंने काफ़ी, ये जो है ना सिलेंडर भाई बड़ी मुश्किल से मिला, मैंने काफ़ी ट्राई मारा, हर बार जब भी ट्राई मारा तो भाई वहाँ पर मुझे क्लॉक ही मिलती थी। सो अभी रुको एक मिनट, यहाँ पर मुझे और सामान, एक मिनट, एक ही सेल करेंगे हम एक्सपेंसिव बस को, और बाकी कुछ नहीं सेल करेंगे, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ये है भाई साहब हमारा, ये ले भाई। क्या हो गया भाई, ग्लिच हो गया लग रहा भाई साहब, ग्लिच। हमारा जो पुराना सिलेंडर है वो वैसा ही है, कैपेसिटी बढ़ गई थी, वो तो मैंने पहले भी बढ़ा रखी थी यार, पर ये जो ग्रीन वाला है इसको ब्लू सिलेंडर हो जाना चाहिए था ना, बट ये हुआ नहीं है, और हमारा ब्लू सिलेंडर पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो कोई बात नहीं, ये तुम बताओ मुझे कि ये जो भाई क्रैकर्स हैं, और ये टोफू तो मुझे पता है, और ये जो है फ्राइड, ठीक है, ये मेरे को कहाँ देने यार, किस बंदे को देने, किस कस्टमर को खिलाने, मुझे नहीं पता। मेरे को ये चीज़ कमेंट मार कर बताओ यार कि कहाँ से किसे हम दे सकते हैं इसे हम, और क्या हमें मिलेगा। चलो अभी देखो कारपेंटर वाले से बात कर लूँ क्या मैं, ठीक है भाई, इसको इसकी अलमारी मिल गई, इसने मुझे नया मिशन दे दिया है, बट मैं इसका भी मिशन नहीं पूरा करने वाला, क्योंकि ये भाई साहब मेरी पूरा दिन खा जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी इसका मिशन पूरा करूँ। पहले भाई हम अपना सेटअप बना ले थोड़ा सा, और अभी क्या है ना कि देखो मेरे को भाई थोड़ा बहुत और काम करना पड़ेगा, हमने वहाँ से रेयर डॉल्स भी खरीदनी है, फिर साथ के साथ गिटार भी खरीदना है। तो अगर मैं इसका मिशन पूरा करूँगा तो भाई वहाँ से गिटार कौन खरीद देगा भाई। चलो कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। ये देखो अभी पांडे ने भाई, देखो पांडे के जाने का टाइम हो चुका है, अभी जो कस्टमर ऑलरेडी थे उसको ही रखेगा। ये देखो इसने सारी कोल्ड ड्रिंक बेच दी है, तो जो कस्टमर अभी बच गए ना, इनका ऑर्डर ऑलरेडी ले लिया था 7 बजे से पहले, तो उसी का ऑर्डर अभी डिलीवर करने वाला ये और नहीं करेगा बाकी का। तो ये भाई साहब जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम अपनी शॉप भी क्लोज कर देंगे, और उसके बाद में हम चलेंगे घर पर। वैसे मैं आर्ट भी जाकर आऊँगा, क्योंकि वहाँ जाकर मेरे को देखना है कि भाई कौन कौन से कॉमन या फिर और रेयर आइटम्स हमें वहाँ से मिलेंगे हिडन शॉप से। तो देखो यहाँ पर काफ़ी कुछ है, अभी हमारे पास दो एक्शन बचे हैं भाई हमारे पास, हम मिशन कर सकते हैं अभी, और एक्शन तो हो ही रहा है। तो पता ही है कि भाई मिस्टर मैजैक ने कितना खतरनाक भाई मुक्के मारे थे हमें, और वॉर्नेट में भी भाई उससे हमारी लड़ाई हुई थी, और इसमें भी लड़ाई हुई है, और नेक्स्ट वाले अगर कोई एपिसोड या फिर कुछ नई सीरीज आती है तो उसमें भी हमारी लड़ाई हो सकती है उसकी। तो चलो चलते हैं आर्ट में। चलो फाइनली हम अंदर आ गए, और ये देखो जितना भी सामान देख रहे हो तुम, ये पता है कहाँ से आया है, ये सामान आया है जब मिस्टर मैजैक ने मुझसे आइसक्रीम मांगी थी, तब का सामान है ये सारा। तो चलो इसमें देखते हैं इसमें है क्या। तो प्राइस लिस्ट कहाँ है ये, ठीक है थीफ डॉल है इसके अंदर, हमें वहाँ से 3 डॉल मिलने वाली है, बट यहाँ पर नहीं है, वो रेयर आइटम है तो यहाँ पर तो नहीं है, इस वाले में नहीं होगा। तो एक मिनट इसे काट देता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट वाली मशीन में देखते हैं कि वहाँ पर वो रेयर आइटम्स है या नहीं, क्योंकि भाई जहाँ से हमें सस्ता मिले हम वहीं से लेने वाले हैं। चलो इसे भी कर देते हैं। तो यहाँ पर है क्या ये रेयर आइटम, ठीक है यहाँ पे तो भाई एक कैंग बस्को से स्टैचू है, कोई बात नहीं, हमें यहाँ ये नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं है वो रेयर आइटम। चलो लेजेंडरी आइटम और कुछ है यहाँ पर, तो डक है, ये तो कॉमन चीज़ है यार। चलो कोई बात नहीं, इसे भी रख देते हैं, और यहाँ पे ये वाली मशीन में देखते हैं चल के, चलो इसमें कुछ ना कुछ होगा।
प्राइस यार इसके अंदर है, बट मेरे को इसको छोड़ो यार, इसमें नहीं देखना, मैंने इसमें देख के देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है। अभी क्या इसमें, ठीक है इसमें है भाई एमपीटी गिफ्ट बॉक्स इसी के अंदर है, तो मुझे एमपीटी गिफ्ट बॉक्स भी चाहिए होगा। तो देखते हैं, कोई मैंने हमें दो एमपीटी गिफ्ट बॉक्स चाहिए तो हम उसका मिशन पूरा करने की ट्राई मारेंगे पूरा पूरा। चलो इसमें है क्या भाई प्राइस का, भाई साहब इसमें तो कुछ भी नहीं दे रहे, ये क्या है ये बीज तो हम बाहर भी खरीद सकते हैं भाई। देखो एक मिनट, यहाँ पर एक और नया बंदा आया है, एक मिनट यहाँ पे कुछ आया था क्या, ठीक है तो प्ले के लिए यहाँ पे ये बार वाला तो पहले ही था, बट यहाँ पर एक लेडी आ गई है जो कि हमसे सामान खरीद सकती है जैसे कि वो बाहर मिलती है। तो ठीक है ये चीज़ ठीक करी इन्होंने, नहीं तो मैं सामान बाहर ले लेके जाना पड़ता मुझे। तो इसको मैं बेच देता हूँ, पहले बम बेच के देखते हैं ठीक है। 4.99 भाई $10 का खरीदा था मैंने वो। एक मिनट ये सारा सामान मैं वहाँ फेंकता हूँ पहले, फिर उसके बाद में इसे बेच देंगे, पैसे तो आएंगे थोड़े बहुत, और यहाँ से जो सामान सोन पड़ा हुआ है ना इतना सारा बिखरा हुआ, ये वो भी कम हो जाएगा। चलो फेंक दो, ये भी फेंको, ये भी, और ऐसे ही सामान जमा कर देते हैं इधर इसके पास में, फिर उसके बाद में हम काम करेंगे अपना बाकी का। भाई हमने सामान फेंक के भाई देखो काम अपना खत्म कर लिया, मैंने काफ़ी सारा सामान बेच दिया इसे, मगर ये ना उतना प्राइस नहीं देती हमें जितना हमें लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं हमने काफ़ी कुछ कर लिया। और यहाँ पर ये बतख रह गई थी, बतख भी देते हैं, ये ले पकड़ भाई। ठीक है हमने भाई काफ़ी सारा कर लिया है काम, और हमने 2,000-2,00,000 कुछ पैसे कमा लिए ठीक है। वैसे तो 199-98 में पहुँच गया था, बट मैंने इतना सामान बेचा कि भाई हमारे पास इतना लेवल पे आ गया सारा सामान। तो अभी चलते हैं भाई शॉप से, हमारा हो गया काम खत्म, 8 में भी जाके आ चुके हैं और सारी जगह एक्सप्लोर भी कर लिया हमने। हमने हिडन वाला जो देखा था ना शॉप, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर जाकर मैं ना सोच रहा हूँ क्यों ना गिटार ले लिया जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये लेजेंडरी डॉल डोल तो नहीं, बट ये गिटार ले लेता हूँ, ये शॉप के बाद में दो गिटार लेंगे यार, बट अभी मैं एक खरीदने वाला हूँ, इसे मैं जाकर अपने कमरे में लगाऊंगा, फिर जो बचा कुचा जैसे होगा ना, और एक गिटार मैं अपनी शॉप के वहाँ भी लगाऊंगा। वैसे हम वहाँ पर वॉल पे टांग भी सकते हैं ना, वैसे तो वही चीज़ मैं ना टांग के फिर उसके बाद में लगाऊंगा ये गिटार वहाँ पर। तो चलो मैं आ गया हूँ अपने शॉप के बाद में घर पे, ये रहा कहाँ है भाई, ठीक है तो यहाँ रखे क्या, या भाई यहाँ रखें, यहाँ पे तो टीवी गिर रखी है भाई, ये टीवी किसने गिराई यार। एक मिनट मैं इसे रख देता हूँ, और टीवी अच्छे से खड़े कर देते हैं हम, क्योंकि हम टीवी देखने वाले बंदे हैं इसी करके। चलो टीवी चला भी देते हैं ठीक है। तो एक मिनट, ये रहा टीवी, ओ ये हो गया ऑन, ठीक है आप ठीक है। और ये गिटार है जो मैं गिटार यहाँ रखने वाला हूँ इस टीवी के पास में, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, दो गिटार आ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक हो जाएगा हमारे इस वाले टीवी के आसपास का। तो ये गिटार काफ़ी मस्त लगने वाला है, और ये मैं शॉप पे भी ले जाने वाला हूँ, बट अभी नहीं, अभी नहीं, हमें अभी सोना है, बहुत नींद आ रही है, बहुत काम कर लिया हमने, बहुत सारे अपडेट देख लिए, और बहुत कुछ करने वाले हैं आगे जाके हम, तो तुम्हें जुड़े रहना है ठीक है। और ये जो हॉल है ये कैसा लगा इस कमेंट मारकर बताना भाई मुझे कि कैसा लग रहा है। और जो लेजेंडरी डॉल्स है हम वो भी खरीदने वाले हैं, और मैंने तुमसे बीच में कुछ अभी सवाल पूछा था, उसका जवाब जो देगा उसे मिलेगा शाउट आउट। अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि मैंने कौन सा सवाल पूछा है भाई, क्या काम है उस चीज़ का। तो तुम्हें बता दूँ, इतना हिंट दे दूँ कि हमारी शॉप के पास में ही मिलती है वो चीज़, तो तुम बता देना मुझे उसका काम क्या है। ये भाई साहब को देखो मैंने हॉल बना के दे दिया, बेडरूम बना के दिया, पर फिर भी ये टूटे फूटे सोफे पे ही सो रहा है, देख रहे हो उस भाई साहब को कैसे कर रहा है ये। फिर मेरे से बनवाया क्यों भाई इसने, सेकंड बेडरूम क्यों बनवाया जब इसने यहीं सोना था। तो ये वाला सोफा कैसे बेचो तुम मुझे कमेंट मारकर बताओ, ये वाले वीडियो को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर भी करो, मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।